कैसे रोगों को ठीक किया जा सकता है। आज एक खास तरीका आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने रोगों को बड़ी ही आसानी से ठीक कर सकते हो, लेकिन उससे पहले कुंडली का कुछ ज्योतिष का विश्लेषण जरूरी है कि जैसे कुंडली में जो भी अनिष्ट कारक ग्रह होते हैं, खराब ग्रह होते हैं, तो हमें उनसे संबंधित वस्तुओं का हमेशा दान करना होता है, या उनसे संबंधित जो भी डेज होते हैं उस दिन हम उपवास कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, और जितने भी संबंधित देवी देवता हैं उस ग्रह से उनकी हम पूजा करते हैं, पूजा करके उन ग्रहों के बुरे प्रभाव को हम खत्म कर सकते हैं। और जो ग्रह हमारे अच्छे हैं और हमारे योग कारक हैं, हमारे लग्न के साथ संबंधित है, हमारे पंचमेश नवमेश के साथ संबंधित है और अच्छी जगह पर वो ग्रह बैठे हैं, तो हम उनसे संबंधित स्टोन्स को पहन सकते हैं या जड़ी बूटियों को पहन सकते हैं या उन कलर्स का हम यूज कर सकते हैं जिससे उन ग्रहों के पॉजिटिव प्रभाव को हम और ज्यादा बढ़ाकर अपनी लाइफ में फायदा ले सकते हैं। जब भी हम जन्म लगन को देखते हैं जन्म कुंडली में, तो उससे हमें पता लग जाता है कि एक इंसान के लिए कौन से मार्केश हैं ग्रह, कौन से मार्केश स्थलों पर बैठे हैं, यानी कि कुंडली के दूसरे छहवें सातवें आठवें बारहवें में कौन से बैठे हैं और उनके साथ किन के संबंध है, क्योंकि उन्हीं ग्रहों की अंतरदशा प्रत्यंतरदशा जब आती है तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो ग्रह तब आपको बहुत ज्यादा कष्ट देंगे। तो 12 के 12 लग्नों में जन्मे हुए व्यक्तियों के बारे में हम टाइम टू टाइम आपको नॉलेज जरूर देते रहते हैं। तो जैसे मेष लग्न में जो जन्मे लोग होते हैं उनके लिए शनि बुध और शुक्र जो है वो हमेशा पाप फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, और उनके लिए सूर्य और बृहस्पति ये शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शुक्र जब मार्केश उनके लिए होता है तो बहुत ज्यादा मारक होता है, यानी कि उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देता है मेष वालों के लिए। खैर, आपका 12 में से कोई भी लग्न हो, एक आसान सा टोटका आपके लिए बताने जा रहे हैं, उसको आप आजमाएंगे तो आप निश्चित रूप में पाएंगे कि आपकी सेहत बहुत तेजी से इम्प्रूव करनी शुरू हो गई है। तो आपने सोमवार वाले दिन जितने घर के मेंबर्स हैं, जितने कुल मिला के लोग घर में आते हैं, आपके रूटीन में एक एवरेज निकाल लें, उतनी रोटियां आपने गुड़ वाली सोमवार के दिन बनानी है, और उसको बना के देसी घी से चौपड़ कर आपने एक होट केस में रखना है और सभी का हाथ लगवा लेना। रात को सोते समय घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसके सराहने रखनी है। अगले दिन सुबह 1/3 पार्ट जो है वो गाय को डालना, 1/3 पार्ट जो है वो पक्षियों को डालना, और 1/3 पार्ट जो है वो कुत्तों को डालना है। ये हर सोमवार आप करते रहें, एक हफ्ते तक सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और दूसरा एक टोटका कि अगर कोई इंसान जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा है और भगवान ने अगर उसकी उम्र दी हुई है, तो आप 43 डेज लगातार गुड़ वाली रोटियां आप तंदूर में लगी हुई वो उसका हाथ लगवा के कुत्तों को खिलाते रहें, तो उससे क्या होगा कि अगर उस इंसान के पास जिंदगी है और तो बिल्कुल बच जाएगा, और अगर उसकी जिंदगी नहीं है तो उसकी मुक्ति होने के चांसेस बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का रोगों का बीमारियों का उपाय जो हमने खास आपको बताया आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद साबित हो सकता है और आप इससे काफ़ी लाभ ले सकते हो। अगर आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर लुधियाना इंडिया और सेम नाम से हमारा फेसबुक पेज, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप टाइम लेके आके मिल सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, कल तक के लिए नमस्कार।